हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू भुजिया। आलू भुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए, ये हमने 3 मीडियम साइज आलू बॉईल करके लिए हैं। ये 150 ग्राम हमने बेसन लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, जो मैंने 1 टीस्पून लिया है, और हमें थोड़ा सा हींग लगेगा। और भुजिया को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल लगेगा। आइए आलू भुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम आलू को ग्रेटर से ग्रेट करके लेते हैं। ये हमें अच्छे से ग्रेट करके लेना है, कोई भी गुठली इसमें रहनी नहीं चाहिए, एकदम पूरी तरह से उसको मैश हो जाना चाहिए। ये 150 ग्राम हमने बेसन लिया है, इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ये रेड चिल्ली पाउडर है 1 टीस्पून, ये हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये 1 टीस्पून सॉल्ट है, नमक, ये चाट मसाला है 1 टीस्पून, और थोड़ा सा हमें हींग लगेगा, जो हम एकदम पिंच ऑफ हींग लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लेना है। और इसका हमें डो बनाना है। इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आलू का जो मॉइस्चर है उसमें ही हमें आटा गूंदना है। हम इसे अच्छे से मिक्स करके हाथ से ही आटा गूंदेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम आटा गूंद रहे हैं, इसके मॉइस्चर में ही ये गूंदा जा रहा है। ये हमारा आटा गूंद के हो चुका है, हम इसे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो चुका है। इसे 2-5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, तब तक हम मोल्ड को ग्रीस करके लेते हैं। ये सेव का हमने एकदम सबसे पतला साइज का ये लिया है, होल वाला एकदम पतला साइज का होना चाहिए, और इसे इसे मोल्ड के अंदर डालना है। मैं इसे ग्रीस कर लेती हूँ, मोल्ड को पूरी तरह से सभी साइड से अच्छे से ग्रीस करना है उसको, ताकि हमारा आटा इसमें चिपके नहीं। हाथ को हमने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करके लिया है। अब हमने आटा जो है, जो डो हमने बनाया है, ये इसमें अच्छे से भर लेते हैं। ये हमने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, ये गर्म हो चुका है क्या ये टेस्ट कर लेते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये सेव डालते हैं। सेव को हमें धीरे 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 करके सभी साइड से इसे भुजिया को हमें ज़्यादा कलर नहीं लाना है, तो इसलिए हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। ये हम इसे निकाल लेते हैं और इसे इसमें डाल लेते हैं। गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है, क्योंकि इसमें आलू है तो वो जल्दी से पक जाता है एकदम। फ्लिप कर लेते हैं।
निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारी सभी भुजिया फ्राई होके तैयार हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आलू भुजिया बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।